ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञान गीता के इस मंच पर आपका सादर अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव के प्रिय नगरी काशी की। कब और कैसे बसी काशी, भगवान शिव को क्यों इतनी प्रिय है काशी, मृत्यु के समय लोग क्यों जाना चाहते हैं काशी, शिव के पीछे पीछे सभी देवता क्यों आ गए काशी, काशी से जुड़ी ऐसी तमाम रहस्यों को इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। एक अनुरोध, अगर आपने अभी तक अपने इस ज्ञान गीता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को टच करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें जिससे हमारी हर नई अपडेट आपको तुरंत मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं काशी के अविनाशी स्वरूप से। पंचकोशी काशी का अविमुक्त क्षेत्र ज्योतिर्लिंग स्वरूप स्वयं भगवान विश्वनाथ हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा से ब्रह्मांड की रचना की। तब दयालु शिव जी ने विचार किया कि कर्म बंधन में बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार प्राप्त करेंगे, इसलिए शिव जी ने काशी को ब्रह्मांड से पृथक रखा और भगवान विश्वनाथ ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए काशीपुरी में निवास किया। काशी को स्वयं भगवान शिव ने अविनाशी और अविमुक्त क्षेत्र कहा है। ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ स्वरूप होने के कारण प्रलय काल में भी काशी नष्ट नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय जैसे जैसे एकार्णों का जल बढ़ता है वैसे वैसे इस क्षेत्र को भगवान शंकर अपने त्रिशूल पर उठाते जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार काशी नगरी का स्वरूप सतयुग में त्रिशूल के आकार का, त्रेता में चक्र के आकार का, द्वापर में रथ के आकार का तथा कलयुग में शंख के आकार का होता है। काशी को संसार की सबसे प्राचीन नगरी कहा जाता है क्योंकि वेदों में भी इसका कई जगह उल्लेख है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पहले यह भगवान माधव की पुरी थी, जहाँ श्रीहरि के आनंदाश्रु गिरने से वह स्थान बिंदु सरोवर बन गया और भगवान यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। एक बार भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का पांचवां सिर अपने नाखूनों से काट दिया, तब वह कटा सिर शंकर जी के हाथ से चिपक गया। वे 12 वर्षों तक बद्रिकाश्रम, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में घूमते रहे, परंतु वह सिर उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। ब्रह्मदेव का सिर काटने से ब्रह्महत्या स्त्री रूप धारण करके उनका पीछा करने लगी। अंत में जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, ब्रह्महत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और स्नान करते ही उनके हाथ से चिपका हुआ कपाल भी अलग हो गया। जिस स्थान पर वह कपाल छूटा वह कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। तब शंकर जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करके उस पुरी को अपने नित्य निवास के लिए मांग लिया। इस संबंध में एक पौराणिक प्रसंग भी आता है। कहा जाता है कि राजा मनु के वंश में उत्पन्न सम्राट दिवोदास ने गंगा तट पर वाराणसी नगर बसाया। एक बार भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती जी को यह अच्छा नहीं लगता कि वे सदा पति के साथ पिता के घर यानी के हिमालय में रहें। अतः पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने हिमालय छोड़कर किसी सिद्ध क्षेत्र में बसने का निर्णय किया। उन्हें वाराणसी नगरी अच्छी लगी। शंकर जी ने अपने निकुंभ नामक गण को वाराणसी नगरी को निर्जन करने का आदेश दिया। निकुंभ ने वैसा ही किया। नगर निर्जन हो जाने पर भगवान शंकर अपने गणों के साथ वहां आकर निवास करने लगे। भगवान शंकर के साथ रहने की इच्छा से देवता तथा नाग भी वहां आकर रहने लगे। सम्राट दिवोदास अपनी वाराणसी नगरी छिन जाने से बहुत दुखी हुए। उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि देवता अपने दिव्य लोक में रहें, नाग पाताल लोक में रहें और पृथ्वी मनुष्यों के लिए रहे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया।
इसका परिणाम यह हुआ कि शंकर जी सहित सभी देवताओं को वाराणसी छोड़ देनी पड़ी, किंतु भगवान शंकर ने यहाँ विशेश्वर रूप से निवास किया और दूसरे देवता भी श्री विग्रह रूप में स्थित हुए। भगवान शंकर काशी छोड़कर मंदराचल चले तो गए, किंतु उन्हें अपनी यह पुरी बहुत प्रिय थी, वे यहीं रहना चाहते थे। उन्होंने राजा दिवोदास के शासन में दोष ढूंढकर उनको वाराणसी से निकालने के लिए 64 योगनियां भेजीं। वे योगनियां 12 मास तक काशी में रहकर राजा और उनके शासन में दोष निकालने का प्रयत्न करती रहीं, परंतु सफल नहीं हुईं। राजा ने उन्हें एक घाट पर स्थापित कर दिया। शंकर जी ने सोचा, सूर्य लोक चक्षु कहलाते हैं, अर्थात वे समस्त संसार की आँखें हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। अतः राजा दिवोदास के राज्य में दोष ढूंढने के कार्य के लिए उन्होंने सूर्यदेव को भेजा, किंतु वाराणसी पुरी का वैभव देखकर सूर्यदेव भी चंचल लोल बन गए और अपने 12 रूपों में यहीं बस गए। ये 12 सूर्य के नाम लोलार्क, उत्तरार्क, सांबादित्य, द्रौपदादित्य, मयूखादित्य, खखोलकादित्य, अरुणादित्य, वृद्धादित्य, केशवादित्य, विमलादित्य, गंगादित्य और यमादित्य है। शंकर जी विचार करने लगे, अभी तक काशी से लौटकर ना तो योगनियां ही आईं और ना सूर्यदेव। अब काशी का समाचार जानने के लिए मैं वहां किसे भेजूं? वहां की बातों को ठीक ठीक जानने में ब्रह्मा जी ही समर्थ हैं, अतः ब्रह्मा जी को ही वहां भेजता हूं। शंकर जी के कहने पर ब्रह्मा जी वाराणसी आए। उन्होंने राजा दिवोदास की सहायता से यहां 10 अश्वमेध यज्ञ किए और यहीं बस गए। यह स्थान दशाश्वमेध घाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद भगवान शंकर की आज्ञा से ढूंढीराज गणेश जी ज्योतिषी का रूप धारण कर काशी आए। उन्होंने राजा दिवोदास को उपदेश करते हुए कहा, आज के 18वें दिन कोई ब्राह्मण आकर तुम्हें उपदेश करेगा, तुमको बिना विचारे उसके वचनों का पालन करना चाहिए, ऐसा करने से तुम्हारा सभी मनोरथ पूर्ण होगा। जब गणेश जी भी काशी जाकर देर तक नहीं लौटे, तब भगवान शंकर ने विष्णु जी की ओर देखा। शंकर जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु यहाँ ब्राह्मण वेश में पधारे और उन्होंने राजा दिवोदास को ज्ञानोपदेश दिया, इससे वे विरक्त हो गए। राजा दिवोदास ने एक शिवलिंग की स्थापना की और जैसे ही स्तुति करना प्रारंभ किया, आकाश से शिव पार्षदों से घिरा हुआ एक दिव्य विमान उतरा। राजा दिवोदास विमान में बैठकर शिवलोक चले गए। तब भगवान शंकर मंदराचल से आकर काशी में स्थित हो गए। आइए जानते हैं काशी में कौन कौन से देवता विराजते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान विश्वनाथ काशी के सम्राट हैं। इन्हें मिलाकर काशी में कुल 59 मुख्य शिवलिंग हैं, 12 आदित्य हैं, 56 विनायक हैं, 8 भैरव हैं, 9 दुर्गा हैं, 13 नृसिंह हैं, 16 केशव हैं। 51 सिद्ध शक्तिपीठों में से एक विशालाक्षी शक्तिपीठ भी काशी में है, जहां सती के दाहिने कान का कुंडल गिरा था। काशी 12 नामों से जानी जाती है, काशी, वाराणसी, अविमुक्त क्षेत्र, आनंद कानन, महाशमशान, रुद्रावास, काशिका, तपह स्थली, मुक्ति भूमि, मुक्ति क्षेत्र, मुक्तिपुरी और श्री शिवपुरी। परमेश्वर शिव का धाम काशी जीवों को मोक्ष प्रदान करने वाली, संसार के भंवर में फंसे हुए लोगों के लिए नौका के समान, 84 के चक्कर में पड़े लोगों के लिए विश्राम स्थल और जीव के जन्म जन्मांतर के कर्म बंधनों को काटने के लिए छुरे के समान है। काशी ही वह पुरी है जो मनुष्य को साक्षात मोक्ष देती है। माना जाता है कि यहाँ देह त्याग के समय भगवान शंकर
मरणोन्मुखी प्राणी के कान में तारक मंत्र सुनाते हैं। उससे जीव को तत्व ज्ञान हो जाता है और उसके सामने शिव स्वरूप ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है। ब्रह्म में लीन होना ही अमृत पद प्राप्त कर लेना या मोक्ष है। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत सुति सकल पुराण, सो गति मरण काल अपने पुर, देत सदाशिव सब ही समान। इसीलिए यहाँ कैसा भी प्राणी मरे वह मुक्त हो जाता है। इसी आस्था के कारण देश के कोने कोने से सहस्त्रों वर्षों से लोग देहोत्सर्ग के लिए यहाँ आते रहे हैं। तो बोलिए काशी की जय, भगवान शिव की जय। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ज्ञान गीता के हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे ब्लॉग पेज, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, जिससे हमारी हर नई अपडेट आपको तुरंत मिल सके। शीघ्र मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।